नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के बारे में। आरती ड्रग्स स्टॉक जो है क्रेश हो चुका है, 10% का लोअर सर्किट लगा है, जिसके कारण बहुत सारे जो मतलब बायर्स होंगे, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन में होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सिचुएशन के बारे में, आरती ड्रग्स में लोअर सर्किट क्यों लगा और आपको क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, आरती ड्रग्स के शेयर की बात करें, 98 रुपया देख सकते हैं डाउन है और 10% का लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगा है आज। और यह देख लीजिए, डायरेक्ट ये स्टॉक्स यहां से फॉल किया इनिशियल मॉर्निंग टाइम में ही, और इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो इसमें हमारा भी इन्वेस्टमेंट था, हमने इन्वेस्ट किया था इसमें 900 के प्राइस पर, 901 रुपीज के प्राइस पर मैंने एग्जिट कर दिया यहां पर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो बोनस शेयर है, बोनस शेयर के पहले हमने बाय नहीं किया था, उसके बाद मैंने बाय किया था। और मैं इसे ट्रेडिंग पर्पस से बाय किया था, क्योंकि इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहा, तो हमने इसे बाय किया कि यह लगातार अगर अपर सर्किट लगाता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें ट्रेल करता जाऊंगा। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल क्या करेंगे, ये तो पहले ही मतलब ये लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दिया एक दिन में 10%। तो जैसे हमने आज देखा कि इसमें लोअर सर्किट लग सकता है, क्योंकि बायर्स बहुत कम थे, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि जो बोनस शेयर है वो क्रेडिट हुआ होगा, जिसके कारण लिक्विडिटी बढ़ गई। लिक्विडिटी मतलब काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स जो है अब उपलब्ध हो गए, जो इन्वेस्ट किए हैं पहले से, तो वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग काफ़ी शेयर जो है मूव कर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो 3:1 का बोनस शेयर था, उसके बाद ये 740 रुपीज़ का शेयर था, वहाँ से ये 250 रुपये कहिए 300 रुपीज़ ऊपर जा चुका था। तो वैसे में जो बोनस शेयर आया तो काफ़ी गुना, 4 गुना शेयर हो गया, पहले जितना शेयर था उससे 4 टाइम्स हो गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे, जिसके कारण इसमें लोअर सर्किट लग सकता है, ये रीज़न हो सकता है एक। और अलग अलग रीज़न आप न्यूज़ में सर्च करेंगे तो लगभग यही रीजन होगा कि लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ा है स्टॉक में। तो इसके हम लेवल्स और टारगेट की भी बात करेंगे, चलेंगे हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे, क्या लेवल्स और टारगेट होना चाहिए। कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो अगर लिक्विडिटी बढ़ने के कारण मतलब बोनस शेयर के क्रेडिट के कारण लिक्विडिटी जो बढ़ा उसके कारण इसमें अगर लोअर सर्किट लगा है तो ये स्टॉक फिर से मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन मैंने यहाँ 900 पर प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि हो सकता है इसमें और भी गिरावट आए। तो इसके हम सपोर्ट और लेवल की बात करेंगे, क्या सपोर्ट बनता है, मैंने क्यों यहाँ पर एग्जिट कर लिया आज 901 रुपीज पे। तो मैं फिर से इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे के प्राइस पर मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मतलब जब मोमेंटम का ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए हम इसके लेवल्स और टारगेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आ चुके हैं हम tradingview.com पे, आप यहां पे भी चार्ट देख सकते हैं, या आप जो जीरोधा का साइट है उसमें भी देख सकते हैं। दोनों चार्ट सेम है, दोनों जगह सेम चार्ट हम देखते हैं, या इसी का चार्ट जीरोधा भी आपको फीचर करता है, तो आप जीरोधा पे भी चार्ट देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए डे चार्ट हम लगाए हैं, आप डेली चार्ट पर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर काफी ज्यादा कंसोलिडेट हुआ है। यहां पर देखते हैं ये जो प्राइस है 720 रुपीज 750 रुपीज, तो इस रेंज में मतलब 700-750 के रेंज में काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ, काफ़ी समय तक यहां पर कंसोलिडेट हुआ। तो ये आपका पहला सपोर्ट बनता है, अगस्त महीने से लेकर के यहां पर देख सकते हैं कि सितंबर तक यहां आपको कंसोलिडेट ये स्टॉक्स हो रहा था। तो ये पहला सपोर्ट बन सकता है अगर इसमें गिरावट कंटिन्यू रहता है तो, और बोनस के बाद भी यही प्राइस रेंज था, तो लगातार यहाँ प्रॉफिट बुक होता है, तो आपको ये सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ इस स्टॉक का दिखेगा। तो आपके नीचे के प्राइस पर मिलता है तो अच्छी बात है, आप यहां पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या आप वेट कर सकते हैं कि ये स्टॉक करेक्शन होता है तो फिर से मोमेंटम पकड़ता है तो फिर से इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी वेट एंड वॉच करें कि स्टॉक क्या करता है, करेक्शन लगातार दिखाता है या फिर से मोमेंटम आता है, क्योंकि बोनस शेयर के कारण स्टॉक में लिक्विडिटी काफी बढ़ा है। लिक्विडिटी बढ़ा है तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा स्टॉक का, तभी जाकर के इसमें फिर से तेजी देखने मिलेगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो चुका है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 4 टाइम्स हो चुके हैं, तो इसमें सप्लाई काफी ज्यादा हो चुका है। तो जब तक डिमांड नहीं बढ़ता है तब तक इस प्राइस पे मोमेंटम आपको बहुत ही कम देखने मिलेगा। अब बात करें तो यहाँ सपोर्ट हो गया, टारगेट की बात करेंगे, यहाँ से जब चलेगा तो आपको जब यहाँ से वापस ये कहीं से सपोर्ट लेकर के चलता है, पहला सपोर्ट तो ये हो गया, उसके बाद करेक्शन होता है तो आपको नीचे का सपोर्ट जो है 500 के आसपास दिखाएगा। तो हमें लगता है कि ये 700 या इसके ऊपर ही कहीं पर सपोर्ट लेगा, उसके बाद अगर फिर से कभी मोमेंटम दिखाता है तो इसमें एक बड़ा मोमेंटम तभी आएगा जब ये फिर से 1000 के प्राइस के लेवल को क्रॉस करेगा। जब अपने ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा तब फिर से एक
जबरदस्त मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। तो पहले इसके सपोर्ट का इंतजार करें, ये कंसोलिडेट होता है, फिर से कहां पर सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर से वापस ये मोमेंटम पकड़ेगा, तो फिर से हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे विथ स्टॉप लॉस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको आरती ड्रग्स में क्या करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।